20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO4 required 30 ml of N upon 12 KMnO4 for the complete oxidation. The strength of H2O2 solution is molar mass of H2O2 is 34. एक H2O2 है, उसको acidify किया जा रहा है 20 ml of H2O2 after the acidification with dilute H2SO4 required 30 ml of H2O2 है, उसका volume कितना है 20 ml. हमें उसकी normality find out करनी है. KMnO4 है, ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या, इसका क्या होगा रिडक्शन. तो 30 ml इसका वॉल्यूम है और इसकी नॉर्मलिटी है n अपॉन 12. ठीक है, तो n अपॉन 12 इसकी, तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल होंगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, राइट. देन इक्विवेलेंट कितने होंगे 20 × n इक्वल ऑफ, इक्विवेलेंट इज 1/12 × 30. तो यहां से n जो आएगा 20 × n, n की वैल्यू जो है, नॉर्मलिटी जो होगी वो कितनी होगी 4/1/8. तो 1/8 इज नॉर्मलिटी. हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होती है, ग्राम पर लीटर. तो यहां पे जो आएगा स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मलिटी n इंटू इक्विवेलेंट वेट. देन n क्या है 1/8 इंटू इक्विवेलेंट वेट इज 34/2 इज 70. देन 70 इज आंसर इज 2.12 के अप्रोक्स आंसर आएगा. तो हमारे पास आंसर इज 2.12, ए ऑप्शन इज करेक्ट.